आई विल से कि नोइंग आवर टॉडलर्स पोटेंशियल एट अर्ली एज, जितनी जल्दी हमें उनका पोटेंशियल पता चले वो हमारे ही पेरेंटिंग के लिए एक गाइडलाइन साबित होता है। इस रिपोर्ट के मैंने कितने पे की पेरेंटिंग जितना आसान लगता है, अगर सच में वो उतना आसान हो पाता तो मतलब कितने सवाल होते हैं। पेरेंटिंग कितनी चीजों पे डिपेंडिंग होता है, जैसे कि बच्चे स्टडी में कैसे होंगे, उनका करियर कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी हॉबीज क्या होंगी, कितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे, है ना। बेसिकली मेरे और मेरे हस्बैंड के तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तब हमें पता चला DMIT टेस्ट के बारे में। आई एम श्योर अगर आपके भी ऐसे या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर सुनना पसंद करोगे, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं अबाउट 10 ईयर वगैरह, तो ठीक है उनका बेसिक नेचर, उनकी स्टडी हैबिट्स, ये सारा सब कुछ समझ में आ जाता है। बट डेफिनेटली आई विल से कि नोइंग आवर टॉडलर्स पोटेंशियल एट अर्ली एज, जितनी जल्दी हमें उनका पोटेंशियल पता चले वो हमारे ही पेरेंटिंग के लिए एक गाइडलाइन साबित होता है, और हमारी पेरेंटिंग स्टाइल करेक्ट है या चेंज करनी है ये जानने में भी हमारी हेल्प करता है ना। तो इसलिए इस DMIT टेस्ट ने मुझे कैसे हेल्प किया है, इससे मुझे क्या क्या पता चला है, ये आज जानेंगे हम इस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, हियर आई एम सारिका, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल विच इज लाइफ सिंप्लीफाइड बाय सारिका। मैंने मेरी बेटी का DMIT टेस्ट करवाया है और आज ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मैं मेरा ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि DMIT होता क्या है। जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, हालांकि 5-6 सालों से बहुत पेरेंट्स ये करवा रहे हैं ये टेस्ट, लेकिन बहुत सारे ऐसे फिर भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको नहीं पता DMIT टेस्ट के बारे में। ओके, तो ये उनके लिए गाइडलाइंस के तौर पे ये वीडियो रहेगा। तो फर्स्ट, व्हाट इज DMIT? तो DMIT का लॉन्ग फॉर्म है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, तो बेसिकली DMIT टेस्ट होता क्या है, इस टेस्ट में ना हमारे फिंगर के ये जो टिप है, सो हमें बेसिकली इस DMIT टेस्ट के लिए एक बायोमेट्रिक स्कैनर पे हमारे फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं। तो ये क्यों देने होते हैं, तो इसके लिए पहले हम ब्रेन का फंक्शनिंग देखते हैं। तो इस फोटो में आप देख पा रहे हो हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये सभी को पता है। ओके, इस ब्रेन का फंक्शनिंग होता कैसे है ये हमें हमारे फिंगर टिप्स के पैटर्न से पता चलता है, इसलिए हमें ये फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं। ओके, द साइंस ऑफ डर्मेटोग्लाइफिक्स इंटरप्रेट्स द कनेक्शन ऑफ आवर फिंगरप्रिंट्स टू आवर ब्रेन। ओके, तो इसलिए अब पहले देख लेते हैं हम हमारे फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। अलग अलग पैटर्न होता है प्रिंट का, तो वो पैटर्न कौन कौन से होते हैं, लूप, वर्ल्स एंड आर्क, ये तीन पैटर्न होते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स पे। हमारे बच्चे के फिंगरप्रिंट्स अच्छे से डेवलप हो गए हैं या नहीं, ये वहाँ पे वो उस पे रखने के बाद आपको उस मॉनिटर पे देखना ही है। तो ये क्यों पूछना है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना कि मेरा बच्चा तो 2 साल का है, 4 साल का है, तो क्या मैं इसकी टेस्ट करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। क्योंकि जितना मैंने जितने लोगों से बात करी ये टेस्ट करने से पहले, जितने 3-4 लोगों से बात करी, तो सभी ने यही बोला कि मैम आप 2 साल के आगे बिंदास ये टेस्ट करवा सकते हो, क्योंकि जब बेबी फिटेस्ट में होता है तभी उसके फिंगरप्रिंट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो 1-1.5 साल के होने तक अच्छे खासे डेवलप हो जाते, तो आप 2 साल से आगे करवा ही सकते हो। लेकिन मेरा ऐसे मानना है, ये सच होगा, ये साइंटिफिकली तो ठीक है, ये सच है, लेकिन मेरा ऐसे मानना है कि सिर्फ फिंगरप्रिंट्स का ही खेल नहीं है, कुछ कुछ बातें हमें भी हमारे चाइल्ड के बारे में पता होनी बहुत जरूरी है ना, बेसिक नॉलेज। 1-1.5 साल के बच्चे का नेचर समझ में नहीं आता, उसकी आदतें समझ में नहीं आती, तो उसकी अगर हम टेस्ट करवाएं तो जो सामने वाला काउंसिलर बोल रहा है सिर्फ वो सुन के अच्छा ओके, ऐसे करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसे मुझे लगता है हमारा बच्चा अगर 5 साल का हो गया होगा या 5 साल के आगे होगा तो वेल एंड गुड। ओके, तो 5 ईयर्स के आगे कितने तक करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है, हम भी करा सकते हैं। अभी चाइल्ड के बारे में देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्या क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हमें हेल्प होती है हमारे बच्चे का स्टडी पैटर्न आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि सारे ही बच्चे एक जगह पे बैठ के स्टडी नहीं करते, या फिर सारे ही बच्चे उछल कूद करके स्टडी नहीं करते। ओके, तो इनका यही मतलब है, हमारा बच्चा या तो ऑडिटरी लर्नर हो सकता है, या तो काइनेस्थेटिक लर्नर हो सकता है, या विजुअल लर्नर हो सकता है। तो ये पैटर्न्स अगर हमें पता चल गए
तो ना हम उनके तरीके से उनका स्टडी ले पाएंगे। जैसे कि अगर वो ऑडिटरी लर्नर हैं तो वो ना ज़्यादातर पढ़ाई सुन सुन के करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, एक जगह पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, ध्यान अच्छे से दे नहीं पाते। देखो मैंने साइड पे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं हर एक शेप में। अगर वो कैनेस्थेटिक लर्नर्स होंगे तो उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी। दे लाइक टू रोम व्हाइल रीडिंग, दे लाइक एडवेंचर, ये होती है, सच में होती है। अगर विजुअल लर्नर होंगे तो वो दे लाइक टू रीड साइलेंटली, दे आर गुड ऑब्जर्वर्स। ओके, तो हमारा बच्चा एग्जैक्टली कौन सा लर्नर है ये अगर हमें, हमारा बच्चा छोटा है तभी पता चलेगा, तो हमारे ही पेरेंटिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, एक चीज़ क्या होती है, इंट्रापर्सनल एस्पेक्ट एंड इंट्रोपर्सनल एस्पेक्ट, ये सेकेंडली हमें पता चल जाता है। तो इंट्रापर्सनल एंड इंट्रोपर्सनल एस्पेक्ट के मीनिंग क्या होते हैं ये पता करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज अलोंग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच किए हैं। तो इनमें से एग्जैक्टली हमारा बच्चा इंट्रापर्सनल है या इंट्रोपर्सनल है ये अगर हमें पहले ही पता चल गया ना, तो इट विल हेल्प अस टू अप्लाई करेक्ट रेमेडीज टू एनहांस आवर चाइल्ड्स बेसिक इश्यूज। हमारे चाइल्ड की हॉबीज के बारे में पता चलता है। हॉबीज कैन ऐड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड जॉय टू योर किड्स लाइफ, इनफैक्ट इन आवर लाइफ ऑल्सो। मतलब अगर हमें भी हमारी हॉबीज पता हो ना एंड अगर हम वो डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पाएँ तो इट विल ब्रिंग वेरी फाइन बैलेंस्ड इन आवर लाइफ एंड इन आवर किड्स लाइफ ऑल्सो। तो मतलब बच्चों को अगर उनकी हॉबीज जल्दी पता चल जाएगी या हमें अगर बच्चों की हॉबीज जल्दी पता चल जाएंगी तो इट विल अलाउ आवर चिल्ड्रन टू टैप इन टू देयर इनर पैशन एंड टैलेंट्स एंड अल्टीमेटली हॉबीज हेल्प्स इन एवरीवन्स ग्रोथ। नेक्स्ट हमें क्या पता चलता है, वी आर एबल टू फाइंड आवर चाइल्ड्स वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। कितनी अच्छी बात है, अगर हमें हमारा बच्चा कहाँ इम्प्रूव हो सकता है वो पहले ही पता चले तो हम कितनी सारी रेमेडीज अप्लाई करके उसको इम्प्रूव करा ही सकते हैं, है ना। एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज हमारे चाइल्ड के लिए क्या क्या होगी या करियर ऑप्शन हमें पता चलते हैं काफ़ी सारे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ लिख के आता है आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे करियर माने कुछ एक या दो ही आएंगे कि आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है आपका बच्चा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हो कि, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे करियर ऑप्शंस के आगे ना स्टार आए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको रीड करके दिखाती हूँ, ऐसे दिखाऊंगी तो भी नहीं समझ में आएगा ना, इसलिए। तो करियर ऑप्शंस में क्या क्या आया है उनकी तरफ से, मेडिकल इंजीनियरिंग एंड लाइफ साइंस। तो मेडिकल में क्या क्या आया है, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ड्रग ऑफिसर, सर्जन, फूड इंस्पेक्टर। अब हम उनकी तरफ से जो एनालिसिस करके जो जो करियर फील्ड्स आए हैं उनके अंडर कितने करियर ऑप्शंस हैं वो सिर्फ हम नंबर्स में देख लेंगे, क्योंकि सारे ही डिटेल में बोलती बैठूंगी तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इन शॉर्ट डिज़ाइनिंग के अंडर आए हैं 8 करियर ऑप्शंस। ओके, तो ऐसे ही अब हम नंबर वाइज देख लेते हैं, मेन करियर फील्ड आपको पता चल जाएगा। आई थिंक किसी की हेल्प हो जाएगी करियर फील्ड जानने में। ओके, मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन, उसके अंडर भी 8 पॉइंट्स हैं। फिर लिटरेचर, उसके अंडर 4 हैं करियर ऑप्शंस। फिर है पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, उसके अंडर 8 करियर ऑप्शंस हैं। साइकोलॉजी, उसके अंडर 6 है। मैनेजमेंट, उसके अंडर भी 6 हैं। मैथमेटिक्स एंड एनालिस्ट, उसके अंडर ही 10 करियर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेन लैंग्वेज, तो उसमें ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। डिफेंस, स्पोर्ट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सबके अंडर, ये तीनों के अंडर सब अलग अलग ये है करियर ऑप्शन। तो इतने करियर ऑप्शंस उनकी तरफ से रिकमेंड हुए हैं और सबके आगे स्टार मेंशन हैं। तो जिसके आगे 4 स्टार होंगे, 5 स्टार होंगे, तो वो वाला करियर अगर हम चुनेंगे उनके हिसाब से तो हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। ओके, इसके अलावा क्या पता चलता है, इंटेलिजेंस कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, एडवर्सिटी कोशेंट एंड क्रिएटिव कोशेंट, तो ये भी पता चल जाता है, इन परसेंटेज आता है ये सब कुछ। कि जब ये IQ, EQ, CQ, AQ ये सारा एक्सप्लेन कर रहे थे काउंसिलर, तब तो मेरी मतलब ऐसे हो गई थी कि ये कैसे रिलेवेंट हो गया पेरेंटिंग में एंड ऑल, हम इसमें क्या कर सकते कि नहीं। इमोशनल कोशंट, एडवर्सिटी कोशंट, इनसे ना हमें बच्चे अगर उनकी लाइफ में कोई अनफेमिलियर प्रॉब्लम आ जाए या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो बच्चे उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं,
ये हमें पता चल सकता है। अगर उनका तरीका गलत है तो उसमें रेमेडीज अप्लाई करके हम उन्हें कुछ कुछ सिचुएशंस थोड़ा सा फेस करने का तरीका सिखा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स ना, जब आपका काउंसलिंग चल रहा होगा तो ये चारों पॉइंट्स आपको बहुत डिटेल में समझा के लेने ही हैं। आपके रिलीवेंट एंड फॉर दैट मैटर इररिलीवेंट क्वेश्चन भी आप इस पॉइंट के रिगार्डिंग पूछ ही सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। इसको फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, स्टेडी एंड कॉम्प्लिएंट। तो हर एक टाइप को हम अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हर एक टाइप के नीचे आपको एक बर्ड की पिक्चर दिखेगी और साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच की गई हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वो बर्ड की पिक्चर उस टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए वो वहाँ पे है। ओके, so these points can help us to identify and understand our child's feelings, thought process and behavioral pattern, which is really very important in our child's growth and parenting as well. बेसिक चीजें होंगी तो वो ही क्लियर हो गई तो पेरेंटिंग काफी आसान हो जाती है। ये हो गई मेरी तरफ से DMIT का रिव्यू। तो अब मेरी तरफ से ओवरऑल ये रिपोर्ट इतनी बार स्टडी की है तो क्या क्या बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान हमें रखना है ये DMIT टेस्ट करते वक्त, और छोटी छोटी टिप्स हमें क्या करना है। जो भी हमारे फिंगरप्रिंट्स लेने आएंगे उनसे पूछना है कि हमें हमारे ये जो फिंगरप्रिंट्स के जो पैटर्न है इसका डेटा पॉइंट दिखाइए, इसका सेंटर पॉइंट दिखाइए। क्योंकि जो स्क्रीन पे आगे सामने आप वो रखने के बाद जो प्रिंट्स देख पाते हो तो वहाँ पे आपको आपका डेल्टा पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट, उनका काम है, जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं घर पे उनका काम है आपको ये बताना, और उस पैटर्न के नाम भी उन्हें पूछने हैं। और हो सके तो कहीं साइड पे वो लिख के भी रखिए कि मेरे लेफ्ट वाले इस फिंगर का पैटर्न ये था, मिडिल फिंगर का पैटर्न ये था, इसके पैटर्न लिख के ले लो। इससे क्या होगा, आप आगे भी जाके गूगल कर सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, तो और ज्यादा आपको नॉलेज मिलता ही जाएगा, है ना। क्योंकि रिपोर्ट में तो फिंगर पैटर्न्स नहीं आते। ओके, काउंसिलर हमारे सामने बैठे हैं जो आए हैं, तो देखो वो ये रिपोर्ट लेके आते हैं एंड वो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। ऐसे नहीं कि वो पहले हमें वक्त देंगे कि आप रीड कर लो, ऐसे नहीं। फिर वो उनके हिसाब से एक एक पेज ऐसे निकालते जाएंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे, वो कम्प्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं समझ में आई, तो ऐसा मत समझो कि कैसे पूछूं, बिंदास वही के वही पूछ ही लीजिए और नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाओ। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनके मीनिंग्स, वो अगर आप रिकॉर्ड कर पाओगे तो अच्छी बात है, वो जो सारा काउंसिलिंग का सेशन है, क्योंकि सब ध्यान में नहीं रहता। मैं खुद कितना भूल चुकी हूँ स्पृहा के बारे में, जितना भी बताया वो। तो अगर तभी आप एक तो नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ, या तो बेस्ट नोटबुक पेन से अच्छा रिकॉर्डिंग कैमरा ही लगा के रखो, उनका फेस आना जरूरी नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड किया तो भी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो वो फीस लेते हैं, तो हमें इसे बोला गया था उस फी में जो ये काउंसलिंग रिपोर्ट जब रीडिंग होगी, ये काउंसलिंग फ्री में आएगा और उसके बाद सिर्फ एक और काउंसलिंग फ्री में आएगा। तो मुझे ऐसे लगता है पैसे इतने ज्यादा लेते हैं वो लोग, तो हमें एटलीस्ट एक साल तक की तो काउंसलिंग फ्री में आनी चाहिए। उसमें अनगिनत बार हम पूछ सकते हैं हमारे क्वेश्चंस, क्योंकि रिपोर्ट इतनी ज्यादा बड़ी है, उसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स निकलते हैं, कभी ये वर्ड समझ में नहीं आया, कभी वो वर्ड समझ में नहीं आया, एक साथ में सारा सब कुछ नहीं समझा के ले सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें पहले ही क्लियर होनी अच्छी बात है। आप एक बार पैसे दे दोगे फिर झगड़ा करके कोई मतलब नहीं, पहले ही क्लियर करवा लो ये सब कुछ। एंड इस रिपोर्ट के मैंने कितने पे किए हैं, 2000 पर चाइल्ड। उसमें वो लोग घर पे आए, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए, फिर उनकी तरफ से ही ये काउंसिलर आया, ये सारे रिपोर्ट प्रिंट्स सब कुछ उसी 2000 रुपीज में आया वो काउंसिलर घर पे आके। क्योंकि इसमें हम कितना ट्रस्ट करेंगे, मेरे हिसाब से 60-70% अच्छे बात है ट्रस्ट करना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो ट्रस्टवर्दी है, उतने ही मैंने पॉइंट्स में लिए हैं, लेकिन बाकी भी बहुत चीजें इसमें पता चल जाती है जिसपे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हम, कि नहीं उसको वो साइंस फैकल्टी में ही जाएगा, वो कॉमर्स फैकल्टी में ही जाएगा। नो, मैं अभी से नहीं ये लेके दिमाग में बैठ सकती कि अच्छा ये तो कॉमर्स को जाने वाली है, अच्छा ये तो आर्ट्स को जाने वाली है, ऐसे लेके नहीं बैठ सकती। अगर वो साइंस को जाने वाली है रिपोर्ट में आया, एंड व्हाट इफ इन केस उसका स्टडी का आगे आगे जाके इंटरेस्ट ही कम होते गया, तो उस पर फोर्स करना अच्छी बात नहीं है। एंड अगर वो स्टडी में, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा भी आ सकता है कि स्टडी में हमारा बच्चा वीक है, तो ठीक है
हम उस पर रेमेडीज अप्लाई करेंगे, ये बात लेके चिड़चिड़ करने से अच्छा हम उस पर रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मैं तो नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड का भी यही मानना था, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ठीक है बहुत 50% हमारे बच्चे के बारे में पता चल जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मेरी तरफ से DMIT का रिव्यू, अगर आपको ये टेस्ट करवानी है तो आप बिंदास कीजिए, मेरी तरफ से तो बिल्कुल यस है इस चीज के लिए। तो हमारा ग्रुप स्कोर, हमारी फैमिली काफी अच्छी बड़ी हो गई है, अब आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग। अगर आपको कुछ और अलग कंटेंट चाहिए होंगे तो आप बोलिए, आप कमेंट में डालोगे, अगर मुझसे हो पाया तो मैं वो वीडियोस बनाऊंगी जरूर। ओके सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन।